यार नैन्सी, अब तो तू भी चली जाएगी शादी करके हिसार गांव में। हाँ यार, तू सही कह रही है। अभी इसकी शादी है, फिर तेरा नंबर, फिर तेरा और फिर मेरा। हाँ, और शादी मतलब बर्बादी। ना हम कहीं घूम सकते ना फिर सकते। और ऐसी करते करते हम चारों का ग्रुप बट जाएगा। हाँ यार, क्या तो तुम लोग सही रहे हो। तो कुछ अच्छा सा करते हैं ना, ताकि हमारी एक मेमोरी बनी रहे शादी से पहले की। हाँ, कुछ तड़कता भड़कता करना चाहिए हमें। अब तो फिर मॉल चले? नहीं, सरोजनी नगर नहीं, कुतुब मीनार लाल किला नहीं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमने आज तक किया ही ना हो। हाँ, जो यादगार रहे। एक काम करो ना, कुएं में कूद जाओ। आज से पहले कभी किया भी नहीं और यादगार भी रहेगा। और तो तेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। ओए, एक काम करते हैं, क्यों ना हम करते हैं बैचलर पार्टी। यस, ये आइडिया अच्छा है। बैचलर्स पार्टी? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? बैचलर्स पार्टी कौन करने देता है? इंडियन पेरेंट्स नहीं अलाउ करते बैचलर्स पार्टी वगैरह के लिए, ये तो बाहर के लोग करते हैं। हाँ, मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। हाँ तो पेरेंट्स को बता कौन रहा है, हम बताएंगे नहीं, कोई और बताएगा। अच्छा चल ठीक है, घर वालों से तो छुपा के कर भी लें, पर मेरा पति, उसको तो बताना पड़ेगा ना। उसको तो सब कुछ बताती हूँ मैं, और वो अभी अलाउ नहीं करेगा मुझे। अरे उसको भी कौन बता रहा है, हम बताएंगे नहीं और तू बता नहीं सकती, क्योंकि तू फंस जाएगी ना इसलिए। और ऐसी चीजें ना छुप छुप के करते हैं। और तू सोच, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, खाना खाएंगे, डांस करेंगे, कितना मजा आएगा, फोटो भी खींचेंगे, यादगार मेमोरी। हाँ, और शादी के बाद तो वैसे ही घर में बंद जाएगी, तू बाहर निकल ही नहीं पाएगी ना हमसे मिल पाएगी, सोच ले अब। हाँ यार, कह तो तुम लोग सही रहे हो, एक अच्छी सी मेमोरी ऐड हो जाएगी हमारी, है ना। हाँ चलो ठीक है, फिर कर लेते बैचलर्स पार्टी। नहीं बताऊंगी मैं अपने पति को कुछ भी, ठीक है। और ये देखो, इनका नाम लिया और इनका फोन ही आ गया। और फोन आ गया इनका। चुन्नी? यार चुन्नी नहीं है मेरे पास तो। ये दे, काम कर। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, नहीं मैं पार्क में बैठी हुई हूँ। हाँ, ये जो हमारी सोसाइटी वाला पार्क है ना, इसी में। हाँ, मॉल के पीछे वाला। हाँ, मैंने यार ब्लैक कलर की स्वेटर पहनी हुई है, जिसकी एक बाजू पिंक है और एक बाजू ग्रीन है। हाँ जी हाँ जी। और काम्या ने रेड कलर की जैकेट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की स्वेटर, और काजल ने दो चोटियाँ बना रखी है, और शीला तो हमेशा की तरह मुंह बना के बैठी हुई है। हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं मैं फ्री हूँ, करो आप बात करो। अच्छा अच्छा, खाना खा रही है, ठीक है आप खाना खा लीजिए, खाना खा के फोन करना, ठीक है। ओके बाय, लव यू। पागल है क्या? क्या था ये सब, पागल सी? अब ये कोई बताने की चीज है? हम पार्क में बैठे, कल को तो तू ये भी बता देगी। मैं हंसने जा रही हूँ, मोतने जा रही हूँ। और ज्यादा सती सावित्री क्या बन रही थी यार, ऐसे तो हमारी बैचलर्स पार्टी का भी प्लान बता देगी। देख, अगर तूने हमारी पार्टी के बारे में अपने पति को या अपने पेरेंट्स को कुछ भी बताया ना, तो तू सोच लियो हम तेरा क्या हाल करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं, मुझे भी पता है क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, नहीं बताऊंगी मैं किसी को भी। अच्छा ये सब छोड़ो, हम ना तैयारी करते हैं पार्टी की। हाँ, क्या क्या सामान चाहिए हमें? बलून और सैशे और एक क्राउन। और हाँ, बैचलर्स पार्टी के लिए एक अच्छा सा केक भी चाहिए, और खाने पीने का बहुत सारा सामान। हाँ चलो ठीक है, फिर तैयारी शुरू करते हैं। कहाँ रह गई थी? बस आ ही रहे थे। अच्छा, लेट कैसे हो गए? वो कैब से लेट हो गए। अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे एक बात पूछूं? पूछो ना। वो कल तुम अपने दोस्तों के साथ थी ना? हाँ। तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं, आपको बताया तो था पार्क में बैठे हुए थे हम लोग। हाँ तो कुछ किया तो होगा ना, ऐसे थोड़े ना बस बैठे हो गए। हाँ, कॉलेज की पुरानी बातें कर रहे थे हम लोग तो बस। अच्छा, क्या क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे।
अच्छा पुरानी यादें। वो मैं एक बात बताऊं, अगर किसी कपल को शादी करनी है फ्यूचर में तो उन्हें ना आपस में एक दूसरे को सारी बातें बतानी पड़ती हैं। हाँ, तो मैं तो आपका सब कुछ बताती हूँ ना। हाँ तो ये भी बता दो ना कि कल क्या बातें की तुमने। देखो बाबू, मैं तुम पे रोक टोक तो करता नहीं हूँ, तो तुम मेरे को बता सकती हो खुल कर। ठीक है बाबू, हम लोग ना बैचलर्स पार्टी प्लान कर रहे हैं और कल हम लोग ना हमारी बैचलर्स पार्टी करेंगे, मेरी सारी फ्रेंड्स और मैं। बैचलर्स पार्टी क्यों, वो क्यों करनी है? बैचलर्स पार्टी क्यों करते हैं? नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगा इस चीज के लिए। पर क्यों नहीं करनी? नहीं करनी बैचलर पार्टी। पर क्यों नहीं करनी? तुम्हें पता भी है बैचलर पार्टी क्या होती है? उसमें लड़के आते हैं, तुम उनको नचवाओगे, दारू पियोगे। नहीं मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं बाबू, कैसी बातें कर रहे हो, लड़के दारू, छी 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 छी, हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। हम लोग तो बस सिंपल सी पार्टी करने वाले थे जिसमें हम लोग ना केक काटते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते और डांस करते। नहीं तुम्हारे होने वाले पति ने मना कर दिया ना, तो नहीं जाओगी तुम। और वैसे भी पति परमेश्वर होता है, उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। चलो बैठो गाड़ी में चुपचाप, चलो। मैंने तेरे को बोला था ना ये हगने मुतने की बात तो बताती है, इसने ये भी बता दी। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा पाप किया है हमारी बैचलर्स पार्टी कैंसिल करके। तो क्या करूँ यार, अब मेरा होने वाला पति है, वो सब कुछ तो शेयर करना पड़ता है ना। होने वाला पति है, सब कुछ शेयर करेगी क्या उससे? सारी जिंदगी ना उसके गुलाम बन के रही हो, ऐसी चलता रहा ना उसकी माँ भी तेरे को गुलाम बना के रखेगी, सारी सेल्फ रिस्पेक्ट गुम हो जाएगी तेरी। हाँ और अभी तो तेरी शादी भी नहीं है, सोच जब तेरी शादी हो जाएगी अगर वो तुझे कहेंगे कि तू उठ जा तो तू उठ जाएगी, वो कहेंगे तो तू बैठ जा तो तू बैठ जाएगी क्या? एक ही कमरे में बंद रहेगी, जैसा वो कहेंगे वैसे ही तू करेगी, जैसे कपड़े पहनने के लिए कहेंगे वही पहनेगी, जैसे खाने के लिए देंगे वही खाएगी। और तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ना तेरे हाथ में, जो तू गंवा रही है देख ले, अब तेरे हाथ में सब कुछ। नहीं मेरी लाइफ है ये, और मेरी लाइफ में ना मेरे डिसीजन होने चाहिए, मैं क्यों किसी के इशारों पे नाचूं? सही कह रहे हो तुम लोग, अब ना बैचलर्स पार्टी तो हो के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ लेकिन करेंगे कैसे, तेरे पति को आज के बारे में पता तो चल ही चुका है ना कि हम बैचलर्स पार्टी करने वाले हैं, और वो कैंसिल हो चुकी है। सारा गुड़गोबड़ ना तूने की है, सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। ऐसे कैसे सत्यानाश, मेरा ना दिमाग बहुत तेज है। अब देखना, मैंने कह दिया ना कि बैचलर्स पार्टी होगी तो होगी, अब देखो आज की पार्टी कैंसिल हुई है पर हम पार्टी कल भी तो कर सकते हैं ना। मैं अपने पति परमेश्वर को बोल दूंगी जाके कि हम लोग ना हनुमान मंदिर जा रहे हैं, और पूरा दिन मैं बैठ के वहाँ पे जाप करूंगी ताकि हमारी शादी सक्सेसफुल हो जाए। और वो मान जाएगा है ना? अरे यार उसके हिसाब से तो मैं उसको हर एक बात बताती हूँ ना, तो वो कैसे नहीं मानेगा। ठीक है तू फोन कर, हमें तेरे पर विश्वास नहीं है। फोन कर ले। वैसे भी तूने एक प्लान तो कैंसिल कर ही दिया है, तू दूसरा भी करवा देगी। पर चुन्नी नहीं है यार। अबे चुप। चुन्नी 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 दिमाग खराब कर दिया, आज के जमाने में सर पे कोई चुन्नी रखता भी है क्या? फोन कर तू, या तो पूरी संस्कारी बन जा, आधी अधूरी संस्कारी बनने के लिए किसने कहा तेरे को? अच्छा ठीक है। हेलो हेलो। हाँ बाबू। वो क्या है ना, मैं और मेरी फ्रेंड्स ना हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, और हमने ना कल हमने हनुमान मंदिर जाने का प्लान बनाया है, और मैं ना पूरे दिन वहाँ पे जप करूँगी ताकि हमारी वेडिंग ना सक्सेसफुल रहे। अच्छा हनुमान मंदिर, कौन कौन जाएगा? मेरे साथ काम्या, काजल और शीला। अच्छा और कोई तो नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, और कोई क्यों जाएगा, बस हम ही जा रहे हैं। कैसे जाओगे? मेट्रो से जाएंगे हम लोग। अच्छा मेट्रो से, ठीक है चले जाना, लेकिन हाँ ध्यान रखना ठीक है। हाँ हाँ ध्यान से जाएंगे। मेट्रो में ना ऐरे गैरे लड़के घूमते हैं, उनसे बच के रहना, और पर्स वगैरह भी बचा के रखना, कहीं पैसे चोरी कर ले, और किसी अनजान से बात मत करना, और मेरे को पल पल की खबर देती रहना। नहीं 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 किसी से बात नहीं करेंगे हम मेट्रो में। हाँ बाबू वो क्या है ना, मुझे चिंता ही बहुत है आपकी। हाँ मुझे पता है आप मेरी कितनी केयर करते हो। ठीक है
हाँ जी ओके ओके हाँ मैं रखती हूँ ओके बाय लव यू। यस अब हमारी बैचलर्स पार्टी पक्की। ओए ये सब तो हो गया पर हम पार्टी कहाँ करेंगे? हाँ और अब मंदिर में तो पार्टी कर नहीं सकते ना, बैचलर्स पार्टी है। तुम उसकी टेंशन मत करो, मैंने कहा है ना कि बैचलर्स पार्टी होगी तो होगी। मेरे दादाजी का ना पुराना विला है जो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता ना कोई आता जाता, वहाँ पे हम आराम से पार्टी कर सकते हैं। ठीक है मतलब कल की पार्टी होकर रहेगी। चलो चलते जो गेट बंद कर देना। रुक जाओ मैं लाइट जलाती हूँ। नैन्सी तेरा घर कितना बड़ा है। मेरा नहीं मेरे दादाजी का। हाँ यहाँ पर तो हम रोज पार्टी करने आ सकते हैं। अरे रोज की छोड़ो अभी पहले आज की पार्टी कर लेते हैं। चलो डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलो लग रहा है ना कितना सुंदर। हमारी मेहनत रंग लाई। अब घर तो सज गया, खुद भी तो सज लेते हैं हम लोग। फोटोज वोटोज भी तो खिंचवानी है बढ़िया बढ़िया। तो चलो फिर चलो। गर्ल्स करें शुरू हमारी बैचलर्स पार्टी। लेकिन रुको रुको एक चीज तो रह गई। क्या? अरे जल्दी आओ। क्या लेने गई है? ओ केक। यस सब भूल ही गए थे। चलो केक काटते हैं।
हाँ। वैसे तेरी पार्टी तो बहुत अच्छी है। हाँ यार मेरे को ना सुसू आ रहा है, मैं एकदम सुसू करके आती हूँ, ठीक है एक मिनट में। ठीक है जल्दी आइयो। ठीक है। आज कितना मजा आया था डांस करने में भी और वैसे भी। ओए तुम कौन हो? शाहरुख खान लग रहा हूँ दिखने में। हे चुप कर, चोर हूँ मैं, चोर। चोरी करने आया हूँ यहाँ पे। चोर ब्राइड? अच्छा यहाँ पे बैचलर्स पार्टी चल रही है, वाह। नहीं चोर भैया, हमें कुछ मत करना। भैया किसको बोला बे? आपको। भैया मत बोल, इज्जत से बोल मुझे। भैया नहीं, चोर जी, चोर जी। जी? आज तक अपुन को इतनी इज्जत किसी ने भी नहीं दी। केक, वो भी ब्लूबेरी वाला, मेरा फेवरेट। खा लो खा लो खा लो भैया। टेस्टी है। ये जो हाथ में अंगूठी है ना, फटाफट निकाल के दो, और एक लगी चैन भी। हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ। ओए, जल्दी दे। शीला, तूने गेट बंद किया था या नहीं? गेट? याद नहीं यार, मेरे को भूल गई होंगी। वैसे हम गेट से ही आए थे क्या? लक्कड़ कहीं की, हमेशा जरूरी टाइम पर जरूरी चीजें हमेशा भूल जाती है। लक्कड़ मरवा दिया स्टेप। सही है, असली है ये तो। आईफोन, जल्दी से फोन दे। एक आईफोन आ गया, 40-50 हज़ार का तो बिक ही जाएगा। गले की चेन निकालो दोनों की दोनों। नकली है सर, नकली। नकली है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ओए क्या हो गया, आर्टिफिशियल है तो कम से कम 5 रुपए की तो बिकेगी। 5 रुपए में ना 555 का बीडी का बंडल आएगा। जल्दी दो। दे दे, दे दे। मेरे पास तो कुछ नहीं है। फटाफट इस घर की ना सारी तिजोरी खाली करके इधर रखो, जब तक मैं केक एंजॉय करता हूँ। आज तो पहले मुझे ये बताओ कि गेट किसने खुला छोड़ा था बाहर का? इस शीला ने। तो फिर से भूल गई ना, सारी चीजें भूल जाए कर तू। अरे यार मेरे को याद ही नहीं रहा कब गेट खुला छोड़ दिया। ये भी याद नहीं है कि हम गेट से ही आए थे क्या? पर जो भी हो, उस चोर को पीटने में मजा बहुत आया। आंखें से वो डर के भाग गया हम चारों से। और ये पल हमारी मेमोरीज में ऐड हो गया। हाँ कितनी सारी यादें है ना हमारी कॉलेज और स्कूल की। बहुत मजे आते थे, ऐसी मस्ती करते थे हम स्कूल कॉलेज में भी। और हाँ तुझे वो दिन याद है जब तू क्लास में बम फोड़ने के लिए गई थी तो मैंने तेरे शूलेस बांधे थे, तू कितनी धड़ाम से नीचे गिरी, जब मैडम ने तेरे को कितना गंदा मारा था। जब हम सारे मिल के वहां पे हाजिर थे। तुम लोग ना हो ही कमीने दोस्त एक नंबर के। और जब तू हॉस्टल में नई नई आई थी कैसे रो रही थी, मैंने तेरे को चुप करा दिया था। और मेस का फूड खाते थे, पतली पतली दाल। और फिर वो दाल खाने के बाद जो लूज मोशन लगे थे मुझे। दिन में 5 बार चक्कर लगाती थी टॉयलेट के। हाँ और लास्ट टाइम जब हमने गर्ल्स नाइट की थी, हॉरर मूवी देखते देखते कैसे डर गए थे और तू किचन में भागी थी और किचन से भागकर कैसे बेड पर चढ़ गई थी। सच में बड़ा डर लगा था उस दिन तो, पर मजा भी बहुत आया था। जो भी कहो यार,
तुम लोगों की याद बहुत आएगी। हमें भी तेरी बहुत याद आएगी। अच्छा ठीक है, ये रोना धोना छोड़ो। हाँ, मैंने हमारी ब्राइड के लिए शायरियां लिखी है। इरशाद इरशाद। मेहंदी लगा के रखना, वाह वाह वाह, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, जब लेने आएंगे तुझे तेरे सजना, तो तू बॉयफ्रेंड के साथ ना भगना। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मस्त मस्त। अच्छा अच्छा, दूसरी सुनो। इरशाद इरशाद। सास की डिमांड हो, बाबा, सास की डिमांड हो, बहू अमीर हो, पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो और काम काजी हो, और बहू की डिमांड हो सास ही ना हो। रियलिटी बोल दी भाई। लेकिन इसकी सास तो है ना, और पति भी, वो भी तो इतना खड़ूस है ना, पता नहीं कैसे लड़के से शादी कर रही है ये। अच्छा अच्छा, एक लास्ट बस। शादी वो जख्म है, वाह, शादी वो जख्म है जिसमें हल्दी चोट से पहले लगाई जाती है। भाई रॉक मचा दी। सच्चा है तो सच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुझे क्या लगा ये सब ऐसे ही चलेगा, तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। हाँ सरप्राइज गिफ्ट, पता है कहाँ रखा है? ओह मेरा गिफ्ट, अभी लेकर आती हूँ। तुम कौन हो? चोर तो नहीं हो ना? अरे मैं चोर वोर नहीं हूँ, मैं तुमने तो ऑर्डर किया मुझे अपनी बैचलर पार्टी के लिए डांस के लिए। हैं? ऑर्डर? ऑर्डर? क्या ऑर्डर? तूने किया? नहीं। आयश ने किया था ना, शीला ने। शीला? लकड़। मेरे को नहीं पता यार, मैंने ऑर्डर किया, वो भी डांसर, भूल गई होंगी यार, गलती से ऑर्डर हो गया होगा। बेवकूफ लड़की, ऐसी पार्टी नहीं कर रहे थे हम लोग। लड़का ऑर्डर करके बैठ गई डांसर। भैया जी आप जाइए, हमें नहीं चाहिए लड़का डांसर वांसर ना कुछ भी, हम तो शरीफ सी लड़कियां हैं, हम तो सिंपल सी बैचलर्स पार्टी कर रहे थे बस, कि केक खा लेंगे, डांस कर लेंगे, फोटो वोटो खींच लेंगे, बातें करके और अपने अपने घर चले जाएंगे। आप जाइए, चलिए, जाओ भैया जाओ, बाय भैया बाय। ऐसे कैसे चला जाऊं मैं, तुमने एडवांस पेमेंट कर रखी है, और मैं पूरा ईमानदार हूँ अपने काम के लिए, आज तो मैं नाच के जाऊंगा। कुछ ज्यादा ही खुददार नहीं है। हाँ। क्या करें इसका? एक काम करते हैं, नचवाई लेते हैं इसको, एंटरटेनमेंट हो जाएगी। सही है ना यार, डांस देख लेंगे तो मजे भी आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी अपना काम खत्म करो और जाओ। मुझे तुम पर पहले से ही शक था, और मुझे पता था तुम इधर ही मिलोगी और बैचलर पार्टी करोगी। मेरे मना करने के बाद भी तुम बैचलर पार्टी कर रही हो, और कैसे कपड़े पहने हुए तुमने, तुम्हें पता है घर पर मेरे भाई की बहू कैसे रहती है, सर पर दुपट्टा रख के रहती है, और तुम, छी,
मुझे तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करनी। करेक्टरलेस। मैं करेक्टरलेस? अरे तू क्या मुझसे शादी तोड़ेगा? मैं तुझसे शादी तोड़ती हूँ। मुझे तो जैसे लड़के से शादी नहीं करनी है। अरे आजकल के जमाने में ऐसे लड़के होते क्या है? आज की डेट में लड़के लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, पर तुम, अरे तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। मुझे तुम्हारे जैसे लड़के से शादी कभी भी नहीं करनी है। तुम तो चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी हर एक चीज बताऊं, कहां जा रही हूं, कहां नहीं जा रही हूं, किसके साथ जा रही हूं, किसके साथ नहीं जा रही हूं, क्या पहना है, क्या खाया है। अरे नहीं होता मुझसे ये सब कुछ, और ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है। हां तो मुझे भी नहीं करनी। मैं कौन सा मरा जा रहा हूं तेरे से शादी करने के लिए? निकलो यहां से। हां जा रहा हूं, मेरे को शौक भी नहीं इधर रहने का। हां तो जाओ ना, निकलो, चल निकल, वापस मत दिख जाइयो। इसने तो सारा मूड खराब कर दिया। मूड खराब कर दे तो क्या हुआ, पार्टी तो हम लोग करेंगे। अब किस बात की पार्टी? शादी तो तेरी कैंसिल होगी ना। शादी कैंसिल हुई है ना, अब हम लोग करेंगे ब्रेकअप पार्टी। आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमें तो शूट करने में बहुत मजा आया था। तो जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। और हाँ, मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगी, हर संडे सुबह 10 बजे। सो बी रेडी, बाय बाय, डांस करते हैं।